कार्यकर्ता उत्साहित हैं। आप देखिए बैरिकेडिंग को कार्यकर्ता ने तोड़ दिया है, अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हुजूम है, चारों तरफ भीड़ आप देख सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ सविता और आप देख रहे हैं डी भारत न्यूज। कन्नौज एक हॉट सीट बन चुकी है। अखिलेश यादव के नामांकन के बाद आज अखिलेश यादव को कन्नौज का दूसरा दौरा है। हसेरन ब्लॉक में अखिलेश यादव की आज हसेरन में एक छोटी सी जनसभा है। बड़े बड़े नेता समाजवादी पार्टी के मौजूद हैं, कार्यकर्ता मौजूद हैं, नेताओं का बड़ा जत्था यहाँ पे कन्नौज में मौजूद है। अलग अलग विधानसभाओं और लोकसभाओं से यहाँ पे नेता आए हुए हैं। कार्यकर्ताओं का हुजूम देख सकते हैं, कोई टेंट पे चढ़ा हुआ है, कोई कुर्सियों पर बैठा हुआ है, कोई खड़ा हुआ है, कोई देखिए वहाँ पे पानी की टंकी बनी हुई। अखिलेश यादव मंच पर संबोधित कर रहे हैं हसेरन में और कार्यकर्ताओं का इतना ज़्यादा हुजूम है, पुलिस बैरिकेडिंग पर भीड़ नहीं संभाल पा रही है, कार्यकर्ता उत्साहित हैं। आप देखिए बैरिकेडिंग को कार्यकर्ताओं ने तोड़ दिया है, अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हुजूम है, चारों तरफ भीड़ आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं की। टेंट पर चढ़े हुए हैं कुछ कार्यकर्ता दीवारों पर चढ़े हुए हैं। कार्यकर्ताओं में भारी जोश है। कन्नौज एक हॉट सीट बन चुकी है। प्रधानमंत्री की आने वाली 5 तारीख को कन्नौज में एक रैली प्रस्तावित है। इसके बाद अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की भी कन्नौज में रैली प्रस्तावित है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा हॉट सीट बनी कन्नौज सीट पर। बड़े बड़े नेताओं का जमावड़ा है। मायावती बसपा सुप्रीमो का भी कार्यक्रम, मायावती का भी कार्यक्रम 9 मई को प्रस्तावित है कन्नौज में। कन्नौज का सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो वक्त ही बताएगा। 13 मई को कन्नौज में वोट डाले जाएंगे, लेकिन सभी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं कि कन्नौज कौन जीतने जा रहा है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव बहुत ज़्यादा ताकत के साथ कन्नौज में चुनावी मैदान में उतरे हैं। राहुल गांधी ने भी आज रायबरेली से अपना नामांकन दाखिल किया है और अब ये तो तय है उत्तर प्रदेश में लड़ बहुत ही ज़्यादा भीषण होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही रास्ता होकर जाता है दिल्ली का। तो अखिलेश यादव संबोधित कर रहे हैं जनता को, कार्यकर्ताओं में बहुत ज़्यादा उत्साह है। कार्यकर्ताओं से भी बात करेंगे, समझेंगे कि कन्नौज का माहौल क्या है, कन्नौज का ऊंट किस करवट बैठेगा। कन्नौज के सियासी रण में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुब्रत पाठक से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का मुकाबला है। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को सुब्रत पाठक ने चुनावी मैदान में हरा दिया था। इस बार बहुजन समाज पार्टी भी अलग चुनाव लड़ रही है। पिछली बार बहुजन समाज पार्टी इंडिया यानी अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में थी। बहुजन समाज पार्टी ने इस बार कन्नौज से एक मुस्लिम प्रत्याशी इमरान बिन जफर पर नाम लगाया। तो कन्नौज की जो राजनीतिक फिजा है उस पर देखने पर लगता है हम लोग गाँवों में गए, कस्बों में गए और आज कार्यकर्ताओं का हुजूम भी यही देखने पर लगता है कन्नौज का लड़ भीषण होगा। 13 मई तय करेगी कन्नौज में कौन सांसद बनने जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी कितना मुस्लिमों का वोट काटेगी, कितना दलितों का वोट काटेगी, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। रही बात अखिलेश यादव की, अखिलेश यादव कई बार कन्नौज से सांसद रहे, डिंपल यादव भी सांसद रही और अब अखिलेश यादव फिर से एक बार कन्नौज के चुनावी मैदान में। सुब्रत पाठक से बहुत सीधी लड़ाई बताई जा रही है, लेकिन सुब्रत पाठक भी बहुत मजबूती से कन्नौज में चुनाव लड़ रहे हैं।